हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ कर रहे हैं सितंबर मंथ की लव रीडिंग्स। कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप सितंबर महीने में, क्या सब कुछ हो सकता है, क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। और यहाँ हम ये भी देखेंगे हर राशि के लिए कि आपका पास्ट क्या था इस रिश्ते में, आपका प्रेजेंट क्या है इस रिश्ते में, और फ्यूचर क्या होगा। जो कि फ्यूचर है वो हम एक महीने का फ्यूचर देखेंगे, यानी देखेंगे सितंबर महीने का। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होंगी। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो, सो बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2022 उनकी लव रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले मैं यहाँ विजडम ओरेकल डेक से देखूंगी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का, ताकि मुझे एग्जैक्ट मैसेजेस मिले और गाइडेंस मैं आपको दे सकूँ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। शफलिंग पूरी नहीं हुई है इसलिए मैं कार्ड्स नहीं लूंगी अभी। प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। मेष राशि के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2022 लव रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो दिस इज योर पास्ट, दिस इज योर प्रेजेंट एंड दिस इज योर फ्यूचर। नाउ लेट्स सी टैरो से हमारे पास क्या मैसेज आता है आपके लिए सितंबर 2022 में, आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू फॉर मेष राशि, सितंबर 2022 फॉर मेष राशि, सितंबर 2022 फॉर मेष राशि। ऑल राइट, वन टू थ्री एंड फोर, एंड बॉटम एनर्जी है स्ट्रेंथ की। सो मेष राशि, सबसे बड़ी चीज जो मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही है वो ये है कि आप किसी लियो को डील कर रहे हैं, ठीक है। सिंह राशि के किसी पर्सन को आप में से काफी लोग डील कर रहे हो सकते हैं। सन मून राइजिंग जो है आपके पार्टनर का सिंह में हो सकता है। ऑलराइट, चलिए सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। अगर आपको अभी कार्ड नहीं दिख रहे हैं नीचे वाले, तो मैं अभी जब ओपन करूंगी तो इन्हें ऊपर रख दूंगी, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। तो वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10। सो डेफिनेटली एक तो 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10, या यहाँ 10 नंबर जो है वो एंडिंग को भी बता रहा है, ठीक है। सो मे बी कि आप सेपरेशन में हो, या पास्ट में आपका एक बहुत बड़ा सेपरेशन हुआ हो, या हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं उसमें आप किसी रिलेशनशिप से निकल के आए हैं, यानी आपने पहले कुछ रिलेशनशिप को तोड़ा है, आपके कोई पास्ट रिलेशनशिप्स थे उनसे जब आप निकले, मूव ऑन किया आपने, तब आप इस नए रिलेशनशिप में आए, या फिर आपके सेपरेशन चल रहा है लेकिन क्योंकि ये पास्ट एनर्जी है तो या तो पास्ट में बहुत बड़ा कोई सेपरेशन हुआ है, आपने कोशिश की इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की, ठीक है, लेकिन आप नहीं निकल पाए, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे पास्ट में, आपने मतलब आप जानते थे कि आपको इस रिश्ते में नहीं आना चाहिए, कुछ सोसाइटी के इश्यूज थे, कुछ और इश्यूज थे, बट वो चीजें वैसे वर्कआउट नहीं की। और काफी लोगों के लिए तो मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आप लोग अभी भी सेपरेशन में हैं। हालांकि मैंने प्रेजेंट का कार्ड नहीं निकाला है अभी, लेकिन इस रीडिंग इस कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास में कोई बहुत बड़ा आपका लड़ाई हुआ है, आपने मूव ऑन करने का कोशिश किया है, लेकिन आप अभी भी उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बाउंड फील करते हैं क्योंकि आपने अभी क्लोजर नहीं दिया है, आपके मन से ये पर्सन जो है वो नहीं गया है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपकी कोई लड़ाई झगड़े हुए थे, बहुत बड़े इश्यूज आए थे आपके बीच में, जिसकी वजह से आपने मूव ऑन कर लिया था, लेकिन कुछ एनर्जीज आपकी जो है वो वापस से मैच हुई, आपके पार्टनर ने आपको बहुत मनाया, बहुत मैसेज कॉल किए, और उसके बाद जो है आपने उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया पास्ट के, और नए तरीके से अपनी लाइफ की शुरुआत की, ऐसा हो सकता है। तो 50% लोगों के लिए तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है जो मैंने अभी दिया कि आपकी आपके पार्टनर से लड़ाई हुई थी, उन्होंने आपको मनाया और आपने एक न्यू बिगनिंग की। 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी
पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन होके आए थे और फिर इस रिलेशनशिप में आए और वहाँ पे आपने जो है वो फिर से एक न्यू बिगनिंग, न्यू लव जो है आपने पाया इस नए कनेक्शन के अंदर। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंडिंग वाली सिचुएशन है। नाउ लेट्स सी कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा क्लियर होगा। मैसेज इन ए बॉटल, ओके। सो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि आप पास्ट में सेपरेशन हुआ है आपका और प्रेजेंट में आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के कॉल का, इस पर्सन के मैसेज का कि आपको मनाने आए। ठीक है, 10 से 15 नंबर की एनर्जी पे हम आ गए हैं, तो आपने अपनी काफी हीलिंग की है और अब आप चाहते हो कि पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेशन करें। प्रेजेंट एनर्जी आपकी ये है, जिनका पास्ट में ब्रेकअप हुआ है वो प्रेजेंट में मैसेज चाहते हैं अपने पर्सन से, और पॉजिटिव कोई न्यूज़ आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे दे। अगर आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो तो आप कमिटमेंट मांग रहे हैं उनसे, या कुछ ऐसा चाह रहे हैं जिससे आपको महसूस हो कि हाउ मच दे लव यू। ठीक है, इस तरह की आपकी अभी जो है वो इंटेंशंस हैं अपने प्यार को लेकर के। तो एक पॉजिटिव जो है कार्ड है मैसेज इन ए बॉटल, कहीं ना कहीं आप इंतजार भी कर रहे हो कम्युनिकेशन का, और काफी लोगों को ये कम्युनिकेशन रिसीव भी हो गया है और प्रेजेंटली आप लोग कम्युनिकेशन में हो और खुश हो। ठीक है, एंड आपको पता है कि अंत भला तो सब भला, या आप ये चाहते हो कि अंत भला हो ताकि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये जो है वो आपकी अभी की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे प्रेजेंटली पॉजिटिव दिख रहे हो अपने रिलेशनशिप में, या तो आप वेट कर रहे हो और आपको उम्मीद है कि जल्द से जल्द मैसेज कॉल आ जाए, और या फिर आ गया है आपके पास, वो जो पास्ट की एनर्जी थी वो खत्म हो गई है एंड यू आर सेटिस्फाइड। नाउ फ्यूचर क्या है मेष राशि, वी हैव मेंडिंग। वाओ, सो जिन लोगों के लिए ऐसा है कि 52 नंबर या 7 नंबर, 15 या 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हाँ, तो मेष राशि जिन लोगों को ऐसा है कि क्या उनके पर्सन उनके पास वापस आ जाएंगे, माफी मिल जाएगी, एंड कुछ इस तरीके के आपको डर लग रहे हैं कि क्या सब कुछ सही हो जाएगा, तो बिल्कुल सब कुछ सही होगा। सितंबर के महीने में आपको बिल्कुल फॉरगिवनेस, आप भी फॉरगिवनेस दे सकते हो और ये पर्सन भी आपको फॉरगिव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे माफी मांगना जरूरी होगा, तो फ्यूचर में मे बी अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां आपको माफी मांगनी पड़े अपने पर्सन से, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मतलब बेझिझक होकर के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिएगा, वही आपकी लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगा। और जो आपने और आपके पर्सन ने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं, जो भी एक दूसरे को हर्ट किया है, उसकी हीलिंग होना बाकी है, और वो जो हीलिंग है वो फ्यूचर में सितंबर के महीने में होगी। सो अब मेरे पास सामने तीनों कार्ड हैं। अगर मैं आपको एक नॉर्मल, एक जनरल एनर्जी बताऊं इन तीनों कार्डों की टूगेदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रेकअप सेपरेशन में पास्ट में हुआ है और आप वेट कर रहे हैं मैसेज का, और सितंबर के महीने में आपको वो मैसेज रिसीव भी होगा। बस ऐसा हो सकता है कि आपको माफी मांगनी पड़े अपने पर्सन से पहले, या आपको माफ करना पड़े एक बहुत बड़ी गलती के लिए, क्योंकि कुछ बड़ा हुआ है यहाँ। अनफिनिश्ड सिम्फनी है, यानी 10 नंबर है, इसका मतलब बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, कुछ बहुत बड़ा हुआ था। लेकिन सितंबर में चांसेस बन रहे हैं कि आप लोग फिर से एक हो, और एक तभी हो पाओगे जब आप अंदर से माफ कर दोगे या माफी मांग लोगे, क्योंकि जो एनर्जीज हैं, जो अनफिनिश्ड चीजें हैं, उन्हें फिनिश करना जरूरी है, एक क्लोजर देना जरूरी है, एक एनर्जी को क्लियर करना जरूरी है। वो जो गैप जनरेट हो गया है बीच में, उसको गैप को जो है ओवरकम करना जरूरी है, तब जाकर के चीजें जो हैं आपकी दोबारा से जो है वो ट्रैक पे आएंगी। ठीक है, सो फॉरगिव कीजिए और माफी मांग लीजिए, ऑनेस्ट रहिए अपने रिलेशनशिप में, यही मुझे आपके लिए गाइडेंस मिल रहे हैं। नाउ लेट्स सी सितंबर में क्या सिचुएशंस बन सकती हैं मेष राशि। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स,
एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कुछ भी कहने के लिए मेरे पास यहाँ नहीं है। जो कुछ भी ईगो मैटर आपके बीच में चल रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं चल रहे हैं, पॉजिटिव हो, कम्युनिकेशन में हो, तो और ज्यादा ग्रोथ आएगी। मे बी रिलेशनशिप मैरिज तक पहुंच जाए। सिक्स ऑफ वॉन्ड मैरिज का कार्ड है। कमिटमेंट मिल जाए। एस ऑफ कप्स है यहाँ। अगर आप सिंगल हो, किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हो, बिकॉज यहाँ एंडिंग दिख रहा है, और फॉगिव कर रहे हो अपने पास्ट को, अपने आप को फॉगिव कर रहे हो जो कुछ भी गलत आपने किया, तो कोई नया कनेक्शन भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो इस महीने में इस राशि। और बिल्कुल सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, घर वापसी का कार्ड, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलेशन के चांसेस 100% है इस रीडिंग के अंदर। कार्ड्स ही ऐसे हैं। और यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये पर्सन करेज लाएंगे। ये पर्सन जो बोलते नहीं है, अपने इमोशंस को दिखाते नहीं है, फाइनली ये पर्सन जो है वो हिम्मत लाएंगे कि आपकी तरफ वापस आए, आपकी तरफ आपसे माफी मांगे आकर के, आपसे आपको अप्रोच करें। ये पर्सन जो है वो ऐसे हैं नहीं, लेकिन वो आपके लिए ऐसे बनेंगे। और अपनी सारी चीजों को साइड करके, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड करके ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये अकेले नहीं रहना चाहते। ये आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो ये लड़ाई करके, फाइट करके आपकी तरफ आएंगे। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आके कोई ना कोई एक्शन लेंगे, अपने इमोशंस आपको जरूर बताएंगे। मे बी आप या ये पर्सन जो है वो डिवोर्सी हैं, या पहले इनका या आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, और उसमें उससे ये निकल करके, या मैरिड हैं तो अपनी मैरिज को छोड़ करके ये आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा मेष राशि। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बताइएगा रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच।